माना कि बेटियां पराया धन होती हैं, इसीलिए मुझे बेटियों से ज्यादा हमेशा बेटे अच्छे लगे। लेकिन बेटियां घर की इज्जत होती हैं, बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता, घर की औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटी पे हाथ उठाने की? अपनी कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? मां बेटा हो या बेटी, अगर गलत बात करेंगे तो मां बाप का फर्ज होता है कि उन्हें रोकें। मैंने वो ही किया है। रोकना टोकना अलग बात है अभी, तुमने तो हाथ उठाया वो भी बेटी पर, ये तुम्हारी हरकत नाकाबिले माफी है। मां उससे बदतमीजी कर रही थी, मैंने हाथ उठा दिया, क्या गलत किया? वाह, सिर्फ हाथ उठाते वक्त बाप होने का ख्याल आया आपको, वरना पहले तो कभी बाप होने का ख्याल नहीं आया। कौन सा हक अदा किया है आपने? चुप रहो आयशा, मैं बात कर रही हूं ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। दादी मुझे भी आपको कुछ बताना है, आप मेरी बात सुनो। आखिर जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते बच्चे। अभी तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो वो तो गलत है ही, लेकिन अब तुम इस घर के उसूल तोड़ने पे उतर आए हो। जहीर भी गुस्से का तेज था, लेकिन उसने कभी घर की औरतों पे हाथ नहीं उठाया, क्यों समीना जी? तो सुन ले हबीब मियां, अगर आप इस घर के रिश्तों और उसूलों का एहतराम नहीं करेंगे तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अम्मा तो फिर इस घर का उसूल ये भी है कि छोटे बड़ों का अदब करें, उनसे तमीज से बात करें, उनकी इज्जत करें। अगर यह एक बेटी बाप के सामने खड़े होकर उससे बदतमीजी करती है, उससे जबान दराजी करती है, और ये हाथ पकड़ के धमकी देते हैं, आंख से आंख मिला के खड़े रहते हैं, हर लम्हा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ये सब बातें आपके उसूलों के खिलाफ नहीं? उसूल आपने तोड़े इस घर के, आपको समझ आ रही है चीज? दादी कोई भी अगर मेरी बीवी पे हाथ उठाएगा क्या मैं खामोश खड़ा रहा हूं? ये देख लें आप किस तरह बात कर रहा है आपके सामने। चुप हो जाओ, बड़े बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलो। अब क्या कहेंगी आप? देखो अभी जब बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं तो उनको सही रास्ता दिखाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उन पर हाथ नहीं उठाया जाता। तुम इस घर के बड़े हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आइंदा मैं इस किस्म की हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गए तुम तो?